पीएफआई पर चला अब कोर्ट का डंडा, दो हफ्ते में देना होगा 5 करोड़। केरल हाई कोर्ट ने 5 करोड़ रुपए हर्जाना भरने के दिए आदेश। पीएफआई के हड़ताल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोर्ट का बड़ा आदेश। कोर्ट का आदेश, दंगे करने वालों से वसूले जाएंगे 5 करोड़। पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी, उनके सदस्यों की गिरफ्तारी और फिर संगठन पर 5 साल के लिए पाबंदी के बाद अब न्यायपालिका भी सख्त हो गई है और अब केरल हाई कोर्ट का भी इनके ऊपर डंडा चला है। जी हाँ, हाई कोर्ट का डंडा। आप भी पूछेंगे कैसे, तो इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा। केरल हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पीएफआई को 5 करोड़ रुपए का हर्जाना भरने का आदेश दे दिया है। दरअसल पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के बाद उसके टॉप के लीडरों को गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी पर पीएफआई से जुड़े लोगों ने विरोध किया था और इसके विरोध में 23 सितंबर को सूबे में हड़ताल का आह्वान किया था। इसी हड़ताल में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए केरल हाईकोर्ट ने 5 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दे दिया है, वो भी 2 हफ्ते के अंदर। कोर्ट ने पीएफआई को फटकार लगाते हुए कहा, इस तरह आप आम नागरिकों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते, अगर कोई ऐसा करता है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केरल हाई कोर्ट ने आगे कहा, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, इसके लिए संविधान भी इसकी इजाजत देता है, लेकिन अचानक हड़ताल नहीं कर सकते। कोर्ट ने साल 2019 में एक आदेश में कहा था, 7 दिनों की सार्वजनिक सूचना की प्रक्रिया के बिना किसी भी हड़ताल का आह्वान करना असंवैधानिक माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऐसी हड़ताल का आह्वान करने वाले व्यक्ति या राजनीतिक दलों को इसके प्रतिकूल परिणाम का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए केरल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पीएफआई को आदेश दे दिया है कि 2 हफ्ते के भीतर 5 करोड़ रुपए नुकसान की भरपाई के तौर पर जमा करा दे। वहीं केरल राज्य सड़क परिवहन निगम ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर पीएफआई को नुकसान का भुगतान करने का निर्देश देने की बात कही थी। कोर्ट ने कहा कि हड़ताल शब्द का आम नागरिकों के बीच कुछ और होता है। उन्होंने कहा, लोग भय में जी रहे हैं, आम आदमी का इससे क्या लेना देना, आम आदमी क्यों भुगत रहा है और किस लिए। हड़ताल के दौरान राज्य में हुई घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए कोर्ट ने कहा, इस मामले में तुरंत कार्रवाई ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी फिर से ऐसा करने की हिम्मत न करे। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि अब पीएफआई पर किस तरह से चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। इसके सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर को भी बैन कर दिया गया है। इसके अलावा इसके सहयोगी 8 संगठनों को भी बैन कर दिया गया। तो इस तरह से पीएफआई की कमर तोड़ दी गई है ताकि भविष्य में किसी दूसरे संगठन के लिए ये सब नजीर बन सके और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से पहले ये 100 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।